बिल्कुल अंधेरा है कमरे के अंदर और दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। ये गैस है मेरी और ये मैंने मैगी रखी हुई है, बस मैगी अभी बनाई है, अब खानी है मैगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिम मोटो एक्सप्लोरर। दोस्तों तो इस टाइम मैं अभी भी मतियाना में हूँ, सुबह के 9:30 बज गए हैं। सुबह 5 बजे मैं उठा था और 5 बजे उठा जब तो लाइट नहीं थी, कंटिन्यू रात से बारिश हो रही है और इस टाइम 9:30 बजे तक बारिश है। तो 5 बजे उठने के बाद दोस्तों मैं नहाया, नहाने के बाद ग्रीन टी बनाई, ग्रीन टी बना के फिर मैंने थोड़ी मैगी बनाई, सामान वगैरह पैक किया, ऑलमोस्ट चलने के लिए रेडी था, बट बारिश जो है वो रुकी नहीं रही दोस्तों। तो अब निकले भी कैसे इस बारिश में, और बारिश भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए बारिश कितनी ज़ोर से लगी हुई है बाहर, और रात से लगी हुई है, अभी तक कैसे ही कंटिन्यू है बारिश यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और मैं आप बाहर नहीं मैं जा पा रहा हूँ, आपको अंदर से ही दिखा रहा हूँ गए। ये देखिए ज़बरदस्त बारिश है, फ्रेंड्स सुबह के 11 बज गए हैं और बारिश अभी भी नहीं रुकी है, और मैं अब यहाँ बैठ गया हूँ एडिटिंग करने के लिए। आपको आवाज़ आ रही होगी बारिश की, क्योंकि ऊपर टीन है छत की और उस पर बारिश गिर रही है, तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, तो प्लीज़ मैनेज कर देना फ्रेंड्स। तो मुझे लग नहीं रहा है कि आज मैं निकल पाऊँगा यहाँ से। मैंने सुबह 7 बजे की मैगी खाई हुई है सिर्फ, अभी तक कुछ नहीं खाया गाइस, और क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही है तो बाहर मैं जा ही नहीं सकता। और यहाँ रेस्ट हाउस में ये लोग ना चाय बनाते हैं ना खाना देते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ फैसिलिटी। तो जैसे बारिश रुकेगी तो मैं फिर लंच करने बाहर जाऊँगा, तब तक मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, और मैंने कहा चलो आपसे बात भी हो जाएगी इस बहाने। तो मैं करता हूँ गाइस काम और उसके बाद मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अब मैं निकल रहा हूँ मतियाना से रामपुर की तरफ। एक्चुअली बारिश की वजह से मैं आज जा नहीं पाया, और मेरी रेस्ट हाउस की जो बुकिंग थी वो सिर्फ आज सुबह तक की थी, तो अभी बारिश अभी रुकी जस्ट शाम को, तो तभी जो यहाँ का केयर टेकर था वो आया और उसने बताया कि सर बुकिंग है यहाँ आपकी रूम की, किसी और की बुकिंग है, तो मुझे फिर वो गाइस छोड़ना पड़ा। देखिए कितना पानी आ रहा है, तो मुझे वेकेट करना पड़ा और अब मुझे जाना पड़ रहा है यहाँ से। इस वक्त आप नेचर का मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए नेचर को। धुंध देखिए कितनी हो रही है यहाँ पे। ये वाली जो बेल्ट है मतियाना से लेके और कुम्हार सैन तक, इसमें बहुत ज़्यादा फॉग पड़ती है दोस्तों। विंटर्स में भी पड़ती है और मॉनसून सीजन में भी पड़ती है। अब हम नारकंडा पहुंचने वाले हैं। नारकंडा बस आई थिंक आधा किलोमीटर रह गया होगा। ये देखिए सामने नारकंडा आ गया, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है।
ये हम आ गए अब नारकंडा। वेलकम टू नारकंडा। शिमला से आती बार गाइस ये जो स्टेशन है नारकंडा सबसे हाइट पे है ये, और देखिए पुलिस वाले कैसे घूम रहे हैं, बस कोई मिल जाए इनको मुर्गा चलान के लिए। बाइकर्स, बारिश होगी तो बाइकर्स भी चल रहे हैं और हम लोग भी निकल रहे हैं, ये लोग पेट्रोल डलवा रहे। वाओ क्या नज़ारा है यार। आज मैंने ना ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में 7 बजे बस वो मैगी खाई थी, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया है। मौसम वैसे अब थोड़ा ठीक हो गया है, अभी 8 बजे तक तो बारिश मुझे लग नहीं रहा आएगी, और अच्छा है निकलने का टाइम भी मिल गया है यहाँ से, अदरवाइज नारकंडा में तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब रहता है। और कुमारसेन हम पहुँचने वाले हैं, बारिश में बहुत स्लो मोड़ पे बाइक मोड़ना पड़ता है, कई बार स्किड हो जाती है बाइक पहाड़ों में, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए ऊपर से पत्थर गिर के आए हैं। जब गर्मियों में इस रोड पर आते हैं तो जब कुमारसेन से नीचे चले जाते हैं फिर गर्मी होनी शुरू हो जाती है, और यहाँ तक बहुत अच्छा लगता है। और आप देखिए किस तरह बादल उठ रहे हैं, क्या मौसम, क्या मौसम, वाह देखो आप कैसे एकदम से बूंद आ गई। ये है दोस्तों कुमारसेन, यहाँ से लेफ्ट साइड को रास्ता जाएगा अंदर टाउन के लिए, और यहाँ बहुत अच्छा मौसम होता है गर्मियों में। पड़ा भी फोन आया था तो मैं फोन के लिए रुका था, सर्किट आउट हो गया है, बुक गुड न्यूज है और सेट नंबर 2 है, तो बस अब कोई टेंशन नहीं है, अब जाना है और जाकर फैल जाना है। रोड से नीचे की तरफ है लेफ्ट साइड को उतराई उतर के, मैं
पैसेंजर। लास्ट टाइम मैंने जब लास्ट टाइम स्पीटी किया था तब मैं यहीं ठहरा था सर्किट हाउस में, और पता भी नहीं लगता उसका यहीं से है, कहीं से आगे से रास्ता यहाँ से है आई थिंक, मेरे ख्याल शायद ये सर्किट हाउस देखो यही है, मैं बोल रहा था ना। यहाँ से पता नहीं लगता इसका, और ये हम पहुंच रहे हैं सर्किट हाउस। फ्रेंड्स फाइनली 7 बजे मैं यहाँ रामपुर सर्किट हाउस पीडब्ल्यूडी के में पहुंच गया हूँ आराम से बिल्कुल, और बारिश होने से पहले मैं यहाँ आ गया। भाई साहब बहुत मस्त रूम है, देखिए पीछे एसी चल रहा है, मैंने चला दिया एसी और बिल्कुल कूल कर दिया कमरा। भाई साहब गर्मी यहाँ बहुत है रामपुर में, गर्मी भी उतनी है ठंड भी उतनी है। मैं वैसे भी वहाँ मतियाना से आया हूँ तो वहाँ बहुत ठंडा था, 2 दिन से मैं वहीं ठंडी फिजाओं का मज़ा ले रहा था, यहाँ आके बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, एक्सट्रीम गर्मी लगी। गाइस देखिए अब चाय मंगा ली है, बहुत बढ़िया। गाइस कल सुबह चाय भी थी, उसके बाद आज चाय मिली है, मज़ा आ गया बाई गॉड, तसल्ली होगी, स्वर्ग की फीलिंग आ रही है चाय पी के। और बस अब मैंने गीज़र लगा दिया है गाइस, तो मुझे लगता तो नहीं है कि गीज़र गर्म पानी से नहाने की ज़रूरत होगी, बट फिर भी लगा दिया मैंने, चलो किया जाता है। और बस अब थोड़ा सा सामान सामान अनपैक करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ बाद में। तो एक बार आपको मैं रूम तो दिखा दूँ। अब खाना खाने के लिए जा रहा हूँ मैं, खाना तैयार हो गया है, इस टाइम वक्त हुआ है 8:30, और 8:30 बजे जो है खाना मिल रहा है, भूख बहुत लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। खा लिया है मैंने, अभी जस्ट खाना खा के आया हूँ, अब लैपटॉप ऑन किया है और बैठ के डेटा ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद सो जाना है। गाइस आज लगभग 2 दिन के बाद मैंने मतलब खाना खाया, पेट में अन्न गया, अनाज गया, जान में जान आ गई खाना खाने। बस अब डेटा ट्रांसफ़र करने के बाद लगभग घंटा सवा घंटा लग जाएगा सारे काम में। ये देखिए चार्जिंग पे सब कुछ लगा के यहाँ रखा हुआ है, तो ये हाल होता है ब्लॉगर्स का। भाई साहब पूरा बेड देखिए आप, एक्सटेंशन बोर्ड लेके आया हूँ मैं साथ में, 4 इसके स्विच हैं, 4 के 4 बिजी हैं, सब पे कुछ ना कुछ चार्जिंग के ऊपर लगा के रखा हुआ है गाइस। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ये नीचे जो बेल आइकन आ रहा है इसे प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस भाई आपका बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 80% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख तो रहे हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, कर दो, पैसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं जाएगा आपका, भाई की दुआ लगेगी। जस्ट जोकिंग गाइस। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।